हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग देखेंगे खूनी मंडे, जहाँ पर हम ढेर सारे हॉरर एनिमेटेड स्टोरी देख सकते हैं। और आप सबको पता है हॉरर तो मेरा फेवरेट है, तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। खूनी मंडे, मिस्टर विश पे। तो मिस्टर विश, मैं उनकी वीडियो देखती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। आप यूट्यूब पर वीडियोस देखते हैं तो आप मिस्टर बीस्ट को तो जरूर जानते होंगे। हाँ। इनफैक्ट आप ये भी जानते होंगे कि मिस्टर बीस्ट अपनी वीडियोस में अलग-अलग चैलेंजेस करता है। लेकिन 2019 में अपने नए YouTube वीडियो के लिए दुनिया के टॉप यूट्यूबर मिस्टर बीस्ट उर्फ जिमी डोनाल्डसन ने सोचा कि इस बार कुछ अलग किया जाए। किसी वीराने जंगल या आइलैंड के बजाय मिस्टर बीस्ट ने डिसाइड किया कि वो इस बार अपने दोस्तों के साथ कितना क्रीपी लग रहा है ना उनका फेस, जाने वाली जगह जाएंगे, डरावना लग रहा है, के साथ 24 घंटे बिताएंगे। ओ हंसी डरावना था। कॉनर, क्रिस, जॉश और जेक इस चैलेंज के लिए तैयार तो थे लेकिन डरे हुए भी थे। उन्होंने कोस्ट हंटिंग का इक्विपमेंट जैसे ईएमएफ मीटर, इंफ्रारेड मीटर, नाइट विजन कैमरास, ढेर सारी बैटरीज, फ्लैशलाइट्स और वॉकी टॉकीज पैक किए और चल पड़े ओहायो स्टेट पेनिटेंशरी, अमेरिका का ऐसा प्रिजन, एक ऐसी जेल जो सालों से बंद पड़ी है और जिसे लोग दुनिया की सबसे हॉन्टेड जगहों में से एक मानते हैं। जेल के अंदर घुसते ही उन्हें समझ आ गया क्या वो जेल है, इस जगह को इतना जेल जैसा भी नहीं है, बाहर से तो पैलेस जैसा लग रहा है। फैला हुआ 6 फ्लोर का ये बड़ा सा प्रिजन 100 जेल सेल्स के साथ बेहद डरावना लग रहा था। वहां के गार्ड ने उन्हें बताया कि उस जेल में 1930s में एक आग लगने के बाद 300 कैदियों की मौत हो गई थी और कई कैदी तो उस जेल में आपस में लड़ते लड़ते ही मर गए और कईयों ने खुद को ही मार डाला। कहते हैं कि उनमें से कई कैदियों की आत्माएं आज भी उस जेल में भटकती हैं। बल्कि उस गार्ड ने बताया कि उसने खुद कई बार जेल में अदृश्य शक्तियों को महसूस किया है। बल्कि एक जेल जहां कैदियों को अकेले रखा जाता था, वहां तो उसके एक साथी गार्ड की भी जान चली गई थी। उन्होंने उन सबको चेतावनी दी कि कोई भी एक दूसरे से अलग ना हो और कोई किसी तरह का उल्टा सीधा मजाक ना करे। और उसने कहा कि उस जेल के अंदर एक हॉस्पिटल और चर्च भी है जहां उन्हें भूल कर भी नहीं जाना चाहिए। मिस्टर बीस्ट और उनके टीम ये सब बातें सुनकर थोड़ा घबरा तो गए थे लेकिन फिर भी वो हिम्मत, हॉस्पिटल तो समझ आता है पर चर्च में भी नहीं, अंदर चले गए। उनका मकसद था ये देखना कि वहां सच में आत्माएं हैं या नहीं, और अगर आत्माएं हैं तो उस जगह पर 24 घंटे बिताने का चैलेंज पूरा करना। जब उन्होंने अंदर जाकर अपने पैर, बड़ा ऐसा बंगले जैसा लग रहा है, कौन कहेगा वो जी, आवाज आई और उनके ईएमएफ मीटर पर लाइट्स ब्लिंक करने लगी, जिसका मतलब था कि स्पिरिट्स उनके आसपास थी। सब थोड़ा सा डर गए। प्रिजन के एक पार्ट को देखने के बाद वो मेन हॉल तक पहुंचे और अपना बेस कैंप वहां बना लिया क्योंकि वो काफी बड़ा था और एंट्रेंस के पास भी था। फिर मिस्टर बीस्ट ने कहा कि उन्हें वापस अलग-अलग होकर उस जगह को फिर से देखना चाहिए। डिसाइड हुआ कि चैंडलर, मिस्टर बीस्ट और जॉश हॉस्पिटल को एक्सप्लोर करेंगे और क्रिस, जेक, कॉनर और तारिक सॉलिटरी कन्फाइनमेंट को, वही जेल जहां कैदियों को अकेले बंद करके रखा जाता था। मिस्टर बीस्ट, चैंडलर और जॉश हॉस्पिटल की पुरानी लोहे की सीढ़ियों पर चढ़कर उसके कॉरिडोर में अपने ईएमएफ मीटर के साथ चलते हुए वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे। तभी उन्हें वहां एक कमरे में टेबल और एक पोस्टर का कटआउट दिखा जो एक पॉपुलर फिल्म का था। ये देख के वो दोनों उन मूवीज पर चोक करने लगे। तभी एकदम से चैंडलर के हाथ में जो ईएमएफ था उसकी लाइट ब्लिंक करने लगी और उसी मोमेंट पर मिस्टर बीस्ट को ऐसा लगा कि जैसे कहीं से कोई जोर का सायरन बज रहा हो। ये बात काफी अजीब थी क्योंकि वहां कोई एक्टिव सायरन नहीं था और तो और चैंडलर और जॉश को कुछ सुनाई भी नहीं दिया। जब मिस्टर बीस्ट ने उनके ईएमएफ को उस सायरन की तरफ पॉइंट किया तो वो और ज्यादा तेजी से जलभुज होने लगा। वो लोग उस सायरन की सोर्स की तरफ जाने लगे। ईएमएफ मीटर और तेजी से ब्लिंक करने लगा था और एकदम से एक खुले कमरे के पास आकर ईएमएफ मीटर बिना रुके फ्लिकर करने लगा। जैसे ही मिस्टर बीस्ट ने कमरे के अंदर जाने की कोशिश की तो मिस्टर बीस्ट का सर भारी होने लगा, उसे चक्कर से आने लगे, इसलिए मिस्टर बीस्ट बाहर आ गया।
पर मिस्टर बीस्ट को याद था कि सायरन की आवाज थोड़ा और पीछे से आई थी। वो उसकी तरफ बढ़ने लगा। उन तीनों को रियलाइज हुआ कि वो इतनी देर घूमने के बाद एक सर्कल में ही घूम रहे हैं, जो कि बहुत अनयूजुअल था, क्योंकि उन्हें याद था कि वो बार बार एक दूसरा रास्ता ले रहे हैं। वहीं तारिक, क्रिस, जेक और कॉनर सॉलिटरी कन्फाइनमेंट ब्लॉक के अंदर थे। ये वो जगह थी जहां कैदियों को बिना पानी और खाने के अकेले तड़पता हुआ छोड़ दिया जाता था। वो लोग नाइट विजन इंफ्रारेड कैमरा लेकर, सोचने में कितना डर लग रहा है, अकेले न खाना न पीना, जहां उन्होंने गार्ड से उन आत्माओं को किसी को नोचने और एक गार्ड को जान से मारने की कहानी सुनी थी। एकदम से क्रिस का सर भारी होने लगा और उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगी। जेक, जो उस कमरे की डरावनी चीजों को देख रहा था, अचानक से जोरों से चिल्लाने लगा। जेक को वहां एक अजीब सा काला साया दिख रहा था, जो उसकी तरफ ही आ रहा था। जब बाकी दोनों जेक की चीखें सुनकर उसकी तरफ मुड़े, तो उन्हें भी वो साया अपने पास आता हुआ नजर आया। लेकिन फिर अचानक ही वो हवा में कहीं गायब हो गया। उन लोगों ने आपस में जब उस साये के बारे में डिस्कस किया, तो तीनों बहुत घबरा गए। तभी जेक को महसूस हुआ कि उसके बगल में खड़ा कोई सांसें भर रहा है, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। और फिर अचानक से वो काला साया उनके ठीक सामने आ खड़ा हुआ। उसे देखते ही वो तीनों चिल्लाते हुए वहां से भागे और वॉकी टॉकीज पर अपने टीम को डरते हुए ये बात बताने लगे। चैंडलर कहाँ है? मिस्टर बीस्ट, चैंडलर और जॉश ने उनकी बातें सुनी, लेकिन उन्हें लगा कि वो लोग मिस्टर बीस्ट के साथ कोई प्रैंक कर रहे हैं और उन्हें डराने की कोशिश कर रहे हैं। पर फिर उनके बीच में बात करते करते ही उस वॉकी टॉकी से एक बहुत ही ज्यादा अजीब सी आवाज सुनाई दी और वॉकी टॉकी बंद हो गया। उस जेल में एक पुराना चर्च भी बना हुआ था। मिस्टर बीस्ट ने सोचा कि अब वो बस उस चर्च को देखेंगे और उस जगह से निकल जाएंगे, क्योंकि अब मिस्टर बीस्ट को अपने दोस्तों की भी थोड़ी चिंता हो रही थी। वो चर्च पहले एग्जीक्यूशन हॉल हुआ करता था, मतलब एक ऐसी जगह जहां लोगों को फांसी देकर मारा जाता था। अच्छा। कहते हैं कि उनमें से कई लोग जिनकी फांसी हुई है, उनकी आत्माएं आज भी उस चर्च के एरिया में भटकती हैं। मिस्टर बीस्ट वहां प्रीस्ट की एक्टिंग करते हुए चैंडलर को सीट पर बिठाकर उसे वहां आने के लिए थैंक यू कहकर उस जगह को हॉन्टेड होने की बात करने लगा। तभी एकदम से उसका वॉकी फिर से बजने लगा, लेकिन वॉकी टॉकी पर इस बार क्रिस उसकी लोकेशन पूछ रहा था। हाँ, अभी मैं क्रिस बोलना चाहती हूँ। चैंडलर मजाक किया और अपनी लोकेशन बता दी, लेकिन तभी वॉकी टॉकी पर एक अजीब सी डिस्टर्बेंस आई और फिर उसे ऐसा लगा कि जैसे कोई औरत उस वॉकी टॉकी पर कुछ बोल रही है। जब उन तीनों ने ध्यान से सुना, तो उस वॉकी टॉकी से एक औरत की बोलने की आवाज आई, इट्स रेनिंग आउटसाइड, यानी बाहर बारिश हो रही है। और ये आवाज उन तीनों को नॉर्मल औरत की नहीं लग रही थी, बल्कि बेहद डरावनी लग रही थी। बल्कि चैंडलर को तो ऐसा लग रहा था कि जैसे वो औरत एक अजीब ढंग से हंस भी रही है। और फिर अचानक ही वो आवाज आनी बंद हो गई। उन तीनों को समझ नहीं आ रहा था कि उनके साथ अभी क्या हुआ, तो वो वहां से निकलकर वापस मेन हॉल की तरफ अपने बेस कैंप चले गए। लेकिन तभी उन्होंने नोटिस किया कि बाहर तेज बारिश शुरू हो गई है और बिजली कड़कने की आवाजें भी आ रही हैं। चैंडलर और जॉश तो काफी डर गए थे, लेकिन मिस्टर बीस्ट को ये सब देखकर मजा आ रहा था और मिस्टर बीस्ट के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। क्या चल रहा था मिस्टर बीस्ट के दिमाग और क्या हुआ मिस्टर बीस्ट के दोस्तों के साथ जिन्हें वो काला साया दिखा था? हाँ, बस तीन है ना, क्रिस नहीं है। ऑलरेडी लाइव हो चुका है स्पॉटिफाई पर हमारे पॉडकास्ट, तो अभी ये बस पार्ट वन है। पार्ट टू भी आएगा, पता नहीं कब आएगा, और जब आएगा तो हम फिर से देखेंगे पार्ट टू। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, क्या क्या है सब कुछ कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।